Good morning, students. So I welcome you all in this new video, and again I'm back with lesson number 2, components of food. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी है और प्रोटीन क्यों जरूरी है, मैंने आपको उसमें स्पेशली बताया था. इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक से. ओके, बिफोर वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक मैं आपको फिर से रिवाइज करना चाहूँगा कि जो सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो कौन से है. हमारे जो कॉमनली भोजन में खाते हैं शुगर के है, पोटैटो है, फिर राइस है, बाजरा है, मैंगो है, ठीक है, मेज यानी कि जो कॉर्न होता है हम कहते हैं, जो मक्का भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो ये क्या है, ये सब बहुत ही गुड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट से. लेकिन ऐसा हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी आपको फैट्स में से मिलता है. तो फैट्स के जो गुड सोर्सेज हैं वो क्या हैं, फिश है, एग है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. बट बिफोर लाइक आई एक्सप्लेन दिस अबाउट फैट्स बोला चाहूँगा कि जो एग्स है, मीट है और जो एग्स है, ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, तो इन्हें जितना हो सके उतना इग्नोर करना चाहिए. जो मेन है मैं वो बताना चाहूँगा वो है मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि घी है, दूध है, छाछ है, ओके, क्रीम है. ये सब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही यूजफुल है, हाई सोर्स ऑफ इनमें कैल्शियम एंड ऑल्सो फैट्स, दोनों ही इनमें बहुत ही हाई क्वालिटी में मिलती है आपको. ओके, चलो आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से. सो प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. तो जो प्रोटीन है ये जो प्रोटीन है वो हाईली बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, यानी कि जिन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी होती है. तो मैंने हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था कि मैं कुछ प्रोटीन्स के बारे में आपको बताना था, जिम में जो जाते हैं वो नेचुरली प्रोटीन्स को कंज्यूम करना बहुत ही अच्छा समझते हैं. रीज़न ये होता है, ये जो होता है ये बॉडी को शेप देने में और साथ में जिम में जो एक्ट करते हैं एक्सरसाइज, उससे हमारी बॉडी शेप में आती है. और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं स्पेशली ये उसे खाते हैं क्योंकि उससे जो बॉडी जो असर कर रहा है उसका प्रॉपरली उनके बॉडी पर उससे उनकी बॉडी जो है प्रॉपरली बिल्ड हो पाती है, समझ रहे हो. तो प्रोटीन एक्चुअली जो है सबके लिए ज़रूरी है, और अगर आपको बॉडी को प्रॉपरली अगर हेल्दी रखना है तो प्रोटीन की हमें उतनी क्वान्टिटी में कंज्यूम करना चाहिए जितना हमें डेली बेसिस पर हमारे बॉडी को ज़रूरत है. विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. तो अब आते हैं विटामिन पर, ठीक है. विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, यानी कि जो विटामिन है वो हमारे बॉडी को हमारे डिजीज जो होते हैं अब अलग अलग, जैसे कि अभी रेनी सीजन आएगा तो बहुत सारी जगहों पर जैसे कि हम पता है कि डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारियाँ हैं वो भी फैलेंगी. ओके, तो उन जो बीमारियाँ हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी जो है उसे बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उनमें से विटामिन भी है. विटामिन स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी है वो फाइट कर पाता है आउटर वायरस एंड बैक्टीरिया से, जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करके हमें बीमार कर सकते हैं. ओके, सो विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी. तो जो विटामिन है वो हमारे आंखों को, हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को और हमारे गम्स को बहुत ही हेल्दी रखने की वो जरूरी है. ओके, सॉरी, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाई डिफरेंट नेम्स. तो जो विटामिन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट नेम्स से हम उन्हें जानते हैं. सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. देर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज. विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी. यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन में भी अलग अलग काइंड्स हैं, वो कौन कौन से काइंड्स हैं चलो देखते हैं. जो विटामिन है उनमें ए है, सी है, फिर विटामिन बी है, ई है, ए है, ठीक है,
ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं विटामिन्स के, और इनमें एक और ग्रुप ऑफ विटामिन्स ऐसा है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बी, ओके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, ओके ठीक है चलो। और ये जो विटामिन्स है ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में डेली बेसिस पर हमें जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। विटामिन ए जो है वो हमारे आँखों को और हमारे स्किन को हेल्थी रखने में बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू कीप सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैन डिजीजेस। जो विटामिन सी है अगर आपने न्यूज़ सुनते होंगे डेली, तो अभी कोरोना पैंडेमिक में आपको बोला जाएगा न्यूज़ में आपको बहुत तरह से बोला जा रहा है कि जो विटामिन सी जिन प्रोडक्ट्स में आपको मिलता हो वो ज़्यादा आपको कंज्यूम करना चाहिए, मीन्स कि एक लिमिट में जितनी बॉडी को विटामिन सी की ज़रूरत है उसे बिल्कुल आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो जैसे कि जिन फ्रूट्स में हल्का सा खट्टापन होता है, जैसे कि एक लेमन है, लेमन एक्चुअली जो यूज़ करते डेली हाउस होल्ड वर्क में, फिर उसके बाद हमारा आता है ऑरेंज है, ठीक है, ऐसे मैंगोज एक अच्छा आम है, ठीक है। तो जिनमें भी हमें खट्टापन लगता है उन फ्रूट्स में नेचुरली विटामिन सी होता है। एंड विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब इम्यून सिस्टम क्या है, तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे कि हमारे बॉडीज पर एक सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है हर वक्त, जो बाहरी दुश्मनों से जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज जहाँ से हमें खतरा है तो उनसे बचाने के लिए जो हमारी फौज है जो बॉर्डर पर तैनात है वो क्या करती है, वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। तो वैसे ही इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करती है किसी भी आउटर वायरस एंड बैक्टीरिया से जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, समझ रहे हो। तो कंपेयर किया जाए तो काम वही करते हैं, बस उनके नाम अलग अलग है, ठीक है। और उनका जैसे कि कहा कि मैं वो एक लेम वगैरह जो जैसे इंसान वहाँ पर बॉडी पर लगाए और यहाँ से लेकर अंदर एक हमारा इम्यून सिस्टम एक सिस्टम है जो कि हमेशा एक्टिव रहता है।